पूर्व पर्यटन मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया एक बार फिर मीडिया के सामने आए, लेकिन इस बार उनके निशाने पर कोई और नेता नहीं बल्कि कांगड़ा की अनदेखी का मुद्दा रहा। उन्होंने कांगड़ा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में 10 सवाल हैं, तो वहीं कांगड़ा की ख्याति प्राप्त लोगों के नाम भी दर्शाए गए हैं। इस पोस्टर को पूरे कांगड़ा जिला में फैलाया जाएगा। यहाँ मीडिया से बातचीत के दौरान पोस्टर जारी करते हुए पूर्व मंत्री मेजर सिंह मनकोटिया ने कहा कि क्या कारण है प्रदेश के सबसे बड़े जिला की राजनीतिक और विकास के तौर पर अनदेखी हो रही है। उन्होंने इसके लिए किसी पार्टी या नेता को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि यह कमजोरी कांगड़ा जिला के लोगों की है। हम लोग पुराने इतिहास को भूल चुके हैं, अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के लोगों के जमीर को जगाने के लिए हमने एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में कांगड़ा जिला से आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, सेना के क्षेत्र में नाम कमाने वाले इतिहासकारों, चित्रकारों आदि के नाम हैं। उन्होंने कहा कि इस पोस्टर को पूरे कांगड़ा जिला में घुमाया जाएगा, लोगों को कांगड़ा के पुराने इतिहास के बारे में बताया जाएगा। कांगड़ा के जिन महान लोगों ख्याति प्राप्त की है उनके बारे में बताया जाएगा। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि कांगड़ा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, ना ही बजट में पूरा हिस्सा मिलता है और ना ही नेतृत्व में। अभी तक जितनी भी सरकारें रही कांगड़ा को हाशिए पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि निचले क्षेत्र में भी सीएम बने लेकिन उस वक्त भी मार खा गई। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के लोग दूसरे नंबर के नागरिक बन चुके हैं लेकिन अपनी क्षमता को नहीं जानते। हम लोग एक कुर्सी पाकर ही खुश हो जाते हैं। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि धर्मशाला में विधानसभा का सत्र जम्मू कश्मीर की तर्ज पर चले, अगर 6 माह के लिए नहीं तो 4 माह के लिए तो यहां पर सरकार बैठे। वहीं एक बजट सत्र शिमला तो अगला धर्मशाला में करवाए जाने की मांग भी मनकोटिया ने की। जब पुनर्गठन किया गया नए राज्यों का था, उसमें पंजाब का ये पहाड़ी क्षेत्र जो था ये हिमाचल बना और एक मैदानी हिस्सा परली तरफ का हरियाणा बन गया और पंजाब वैसे में 2 या 3 ब्लैक हैं, वो इसके दूसरे इश्तहार में आ गए हैं जो हम आपको कुछ ही देर में देने वाले हैं। और ये मैं नाम पढ़ के सुनाना चाहूँ। गति से हमारा विकास होना चाहिए था और जो आवाज हमारी उठने चाहिए थी वो दोनों क्षेत्रों में हम बहुत पीछे रह गए हैं। आजादी से भी पहले श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, साहित्यकार, माने हुए साहित्यकार, साहित्य जगत में जिनका नाम है, जिनकी कहानियां जो थी उनकी जारी किया है। आज अपने यहाँ जो मीडिया के प्रतिनिधि का नाम है उनसे ये आम जनता में आज एक ऐसा भावना उत्पन्न हो गई है कि चाहे कोई भी सरकार क्यों ना आए, ये क्या कारण है कि कांगड़ा जो सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का है इसकी अनदेखी की जा रही। और अनदेखी सिर्फ सीमित विकास की ही नहीं, यहाँ जो नेतृत्व है वो नेतृत्व ही आगे आने का यहाँ किसी को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इससे जो हमारी यहाँ की जनता है कांगड़ा की बड़ी चिंतित है और मैं समझता हूँ कि उनको हम अपने पुराने इतिहास की भी थोड़ी बहुत जानकारी दें, जिसपे हमने इस पोस्ट के माध्यम से बताया है कि इस देश के लिए यहाँ न जाने कितने सैकड़ों वीर सेनानियों ने कुर्बानी दी है। और इसके साथ साथ सिर्फ वीर सेनानी ही नहीं है, इसमें हमारे बड़े मशहूर चित्रकार हुए, कलाकार हुए, इसमें हमारे जुडिशरी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हुए। वर्णनीय इतिहास जो है इसको भुलाकर आज कांगड़ा में हमारी रगों में खून खोलने से क्यों रह गया? हम क्यों नहीं अपना अधिकार मांगते हैं? हम अपने आप को दूसरे दर्जे का नागरिक हिमाचल प्रदेश का बना बैठे हैं। और मेरी सबसे बड़ी जो शिकायत है वो ये है कि जितनी भी सरकारें आए उन्होंने कांगड़ा जिला को उठने नहीं दिया, जिसमें सबसे ज्यादा दोष जो है वो वीरभद्र सिंह सरकार को जाता है या वीरभद्र सिंह को खुद जाता है, जिसने यहाँ का नेतृत्व ही सफाया कर दिया। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि यहाँ हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का दर्जा देने का एक वायदा दोनों पार्टियों ने किया था, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने, दूसरी राजधानी का दर्जा आज दिन तक धर्मशाला को क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं यहाँ के नुमाइंदे मांगते हैं?
यहाँ विधानसभा हमने संघर्ष करके लिया, आज विधानसभा को भी उठाना चाह रहे हैं, हम नहीं उठाने देंगे। और यहाँ हर साल नहीं तो हर दूसरे साल यहाँ विधानसभा का बजट सेशन बैठवाएंगे हम, आपको उठाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि चार दिन दिखलावा करके आप चले गए और फिर कहा कि हम बहुत खर्चा करते हैं, नहीं, यहाँ के नुमाइंदों को यह आवाज उठाने पड़ेगी। और फिर एक और बात, अगर दूसरी राजधानी का दर्जा देते हैं तो कम से कम चार महीने हिमाचल की सरकार, सचिवालय प्रमुख जो उनके विभाग हैं यहाँ काम करेंगे आके। हम भागीदार हैं, हम अलग नहीं हैं। आज पहले शिमला की बात होती थी, आज मंडी की बात लग पड़ी होनी, कांगड़ा की कोई बात तक नहीं करता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा था, आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ कांगड़ा का गुल, वो भी अब सुना मंडी जा रहा है। यहाँ सब कुछ ही यहाँ से उठा के ले जाएंगे यहाँ, और हम मूक दर्शक बन के रह जाएंगे। मैं अपने कांगड़ा निवासियों को कहना चाह रहा हूं कि ऐसे मुर्दे मत बनिएगा, थोड़ा आपने जागृति आनी चाहिए। यह हम सब ने फैसला किया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हम एक मुहिम चलाने वाले हैं। हमको स्थान दो, अंद्रेटा को आप एक पूरा दर्जा दो, एक संस्कृति और कल्चर सेंटर, आर्ट्स का सेंटर बनाए आप। ये मुहिम, ये हमने योजना शुरू करी है। पोंग डैम में आप जो शिकारे, हाउस बोट्स इत्यादि क्रूजिंग के लिए शिप्स डालनी चाहिए वो डालिएगा। ये इतने खूबसूरत इलाके जिनके माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से विकास हो सकता है, रोजगार मिल सकता है, उनकी अनदेखी कर रहे हैं आप, क्यों नहीं इनको अपना हक मिल रहा है। मसरूर जो हमारा बड़ा मशहूर मंदिर है, हेरिटेज है हमारा, उसकी अनदेखी हो रही है, सारे टूरिस्ट वहां जाना चाहते हैं। तो हमने ये कहा है कि ऐसी अगर सरकारें हमारे साथ विश्वासघात और धोखा करते रहेंगे तो हमें पब्लिक के बीच जाके, जनता के बीच जाके सड़कों के ऊपर क्यों ना उतरना पड़ेगा, अपना अधिकार मांगने के लिए, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए, हक प्राप्त करने के लिए हम लोगों में जा रहे हैं। ये मुहिम शुरू हो रही है और ये इश्तहार हम पूरे कांगड़ा में, बैजनाथ से लेकर इंदौर तक, देरा तक, नूरपुर तक बांट रहे हैं ताकि लोग समझें